अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं कैडेट अतुल तिवारी आज आप सभी के समक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया भाषण तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, 12 महीने पहले पूर्ण संग्रहण या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आने वाले वर्षों के लिए हमारी मांगे रखूंगा। पर यह बताने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों में बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार अंग्रेज बहुत हद तक कमजोर हो गया है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी दास्ता से दूर करने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूं। भारत के अंदर भी एक आंदोलन चल रहा है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार है। दुर्भाग्यवश 1857 के महासंग्राम के बाद हमारे सैनिक अस्त्रहीन है और दुश्मन पूरी तरह सशस्त्र। पूर्ण संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपसे मैन मनी मटेरियल की मांग की थी। मुझे अब बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पर्याप्त लोगों की भर्ती कर ली है। भर्ती हुए लोग पूर्वी एशिया के कोने कोने से हैं। मैन मनी मटेरियल की आपूर्ति आपको पूरे जोश और ऊर्जा के साथ रखनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को सैन्य बल और सामग्री पहुंचाने की है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चे पर काम जारी रखेंगे उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया विशेष रूप से बर्मा आजादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार है। अगर ये आधार मजबूत नहीं रहेगा तो हम स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते। याद रखिए, यह पूर्ण युद्ध है, दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। मित्रों, एक साल पहले मैंने आपसे कुछ मांगे की थी और मैंने कहा था यदि आप मुझे पूर्ण संग्रहण देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपने वादे को निभाया। हमारे अभियान का पहला चरण खत्म हो चुका है। हमारे सैनिक जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दुश्मन को पीछे ढकेल दिया है और अपनी मातृभूमि पर जोशो खरोश के साथ लड़ रहे हैं। आगे जो काम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। मैंने मैन मनी मटेरियल के लिए कहा था वो मुझे पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है। अब मुझे आप चाहिए, क्योंकि मैन मनी मटेरियल अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। सिर्फ ऐसी इच्छा रखना कि अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता हमारी पहुंच में है, एक घातक गलती होगी। हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए और वह है मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के रक्त से प्रशस्त हो सके। आज मैं आपसे बस एक ही चीज की मांग करता हूं और वह है आपके खून की मांग, क्योंकि खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है। खून ही आजादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।